दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया की बहुत ही फेमस, बहुत ही शानदार ऐसी महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में। आज मैं इसकी सारी डिटेल्स, सारे फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, वेरिएंट, प्राइस, फीचर्स, एक्सोरूम प्राइस, ऑनरोड प्राइस, सारी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा और बताऊँगा। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को पूरी जानकारी के लिए। फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल लुक की बात कर लूँ, तो इसका जो फ्रंट प्रोफाइल लुक है दोस्तों काफ़ी शानदार, काफ़ी मस्कुलर लुक के साथ ये गाड़ी आती है। इसमें आपको टोटल चार वेरिएंट मिलते हैं, S5, S7, S9, S11। ये S9 आप देख रहे हैं, जो कि इसमें आपको ऊपर में रूफ रेल्स, एंटीना वगैरह, स्पॉयलर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर इसमें आपको नहीं मिल पाते S9 में, जो कि S11 में आपको मिलते हैं। ये इसका एयर स्कूप, और यहाँ पे आपको मिलती है 7 स्लॉट ग्रिल, जो कि सिल्वर फिनिश में आपको मिलती है। वहीं आपको S11 में क्रोम फिनिश मिलती है। वहीं भी बात करें दोस्तों इसकी हेडलाइट असेंबली, तो इस तरह आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स लो बीम के लिए, और इस तरफ मिलते हैं आपको हैलोजन हेडलैम्प्स हाई बीम के लिए। ये है यहाँ पे कॉर्निंग स्टेटिक बेंडिंग लाइट, जो कि आपको टर्निंग और मोड पे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, जो कि नाइट वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पे आपको मिलते हैं LED DRLs, जो कि काफ़ी शानदार, ये ऑन होने के बाद दिखते हैं। ये ऑन है, आप देख सकते हैं कि अभी ये डे में उतना नहीं दिखता, तो ये नाइट में आपको काफ़ी शानदार फीलिंग देते हैं। यहीं पर आपको मिलते हैं एक फोग लैंप्स, जो कि सिल्वर फिनिश में आपको मिलते हैं। और ये इसकी डाउन साइड ग्रिल, और यहाँ पर आपको मिलते हैं सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट, और कुछ ऐसा है इसका फ्रंट प्रोफाइल लुक। जून 2002 में लॉन्च हुई थी स्कॉर्पियो, और ये थर्ड जनरेशन का फेसली मॉडल आप देख रहे हैं। दोस्तों इसके इंजन पावर की बात करें तो इसमें आपको द पावरफुल एमहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है। बोनट पे आपको हाइड्रोलिक सीट मिल जाएगा ऑल वेरिएंट में, और ये है 2.2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज द पावरफुल एमहॉक डीजल इंजन, जो कि 140 BHP की पावर जनरेट करता है 3750 RPM पर, और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 2500 RPM पर। और ये है उनकी बैटरी, यहाँ पे ABS भी EVD शिफ्ट किए गए हैं। काफ़ी शानदार, काफ़ी मस्कुलर इंजन इसमें आपको दिया गया है। अब ये काफ़ी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा फुल कैप के साथ है, और काफ़ी मस्कुलर BS6 इसमें आपको इंजन मिलता है। तो दोस्तों चलिए मैं इसको ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ, इसकी जो इंजन की साउंड है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों इसमें पावरफुल द पावरफुल एमहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है, जो कि बहुत ही पावरफुल इंजन है। ये इसके साउंड है, आप सुन सकते हो। अपने सेगमेंट में आज भी इसकी सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है महिंद्रा स्कॉर्पियो की। चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल लुक की। तो महिंद्रा स्कॉर्पियो को काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बोल्ड लुक के साथ यहाँ पर देखा जाता है, और काफ़ी शानदार इसकी प्रोफाइल है, साइड प्रोफाइल लुक। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बड़े से क्लाइडिंग मिल जाती है, जो कि इसको पूरा पीछे तक लेके जाते हैं, काफ़ी शानदार लुक देता है इसे। वहीं पे इसका टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 235 सेक्शन 65 R17 के इसमें आपको टायर मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो इसमें आपको डुअल बेसबोन टाइप इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलते हैं विथ एंटी रोल बार के साथ। रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको मल्टी लिंक कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं विथ शॉक एब्जॉर्बर के साथ। ये इसकी साइड फुट स्टेप्स, जो कि काफ़ी शानदार और ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाएगी। ये इसकी साइड प्रोफाइल लुक, इसके साइड प्रोफाइल लुक की बात करें तो ये इसकी 4.5 मीटर्स की टोटल लेंथ है, 2 मीटर्स की हाइट है, और 209 मीटर का इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, तो काफ़ी शानदार इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और काफ़ी शानदार लुक के साथ ये स्कॉर्पियो आती है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एमहॉक D140 यानी डीजल 140 BHP की जो बैजिंग है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर सिल्वर बेनेजल मिल जाती है, मोहॉक के यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है, और यहीं पे आप देखें तो जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो आपको RPM से मिलते हैं, जिसको RPM से आप इलेक्ट्रिक की एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े इसमें आपको RPM मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो रूफ रेल्स हैं, इसका रूफ भी इसे कहते हैं, और काफ़ी शानदार लुक इसे यहाँ पर देते हैं। बात करेगा दोस्तों इसके रियर प्रोफाइल लुक की, तो काफ़ी शानदार रियर प्रोफाइल लुक भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका मैं एक बार पूरा फुल व्यू दे देता हूँ। ये इसकी, यहाँ से आप डीजल भर सकते हैं कुछ इस तरह से जो है आपको, तो ये है डीजल कैप यहाँ से डीजल भरने के लिए। और उस साइड है इसके ब्लू हेड टैंक, जो कुछ उस साइड दिए गए हैं। दोस्तों मैं अगर इसके पूरे रियर प्रोफाइल लुक की बात करूँ तो काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया लुक देता है इसे महिंद्रा स्कॉर्पियो के। और यहाँ सबसे पहले आपको ऊपर में मिल जाता है इसका स्पॉयलर, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं LED
हाई माउंट स्टॉप लैंप जो कि जलने के बाद काफ़ी शानदार लुक देते हैं। यहाँ पे आपको वाइपर, वाशर और डिफोगर सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे आपको कैमरा नहीं मिलता। ये इसका रियर गार्निश विद महिंद्रा का लोगो के साथ। यहाँ इसके टायर हैंडल्स हैं और यहाँ पे आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो S9 की यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी। माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, आपको स्टैंडर्ड आर वेरिएंट मिलते हैं जो कि फ्यूल सेविंग करता है। और ये इसकी टेल लाइट है जो कि स्कॉर्पियो की बैजिंग के साथ मिलेगी। और ये टेल लाइट आपको ऑन होने के बाद कुछ ऐसी चलेगी। यहाँ पे आपको रियर पार्किंग सेंसर 2 मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और ये इसके फुट स्टेप जो कि आप आसानी से अंदर आ जा सकते हो और काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको मिल जाता है। और ये 7 सीटर ऑप्शन आप देख रहे हैं, 8 सीटर का भी ऑप्शन इसमें आपको मिलता है और फ्रंट फेसिंग सीट का भी इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। तो आप देख सकते हो ये इसका पूरा इंटीरियर, काफ़ी शानदार इंटीरियर है इसमें आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो। टोटल 4 स्पीकर डुअल ट्विटर का ऑप्शन मिलता है महिंद्रा स्कॉर्पियो S9 और S11 में। चलते हैं इसके सेकंड केबिन डोर में, वहाँ पे देखते हैं। ये इसका सेकंड केबिन डोर है जहाँ पे आपको बॉटल होल्डर वगैरह मिल जाएगा, पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, हैंडल्स मिल जाएगा, ये मिनी होल्डर मिल जाएगा आपको। वहाँ पे काफ़ी शानदार फिट ऑफ फिनिश मिल जाती है विद चाइल्ड लॉक के साथ। इसके डुअल टोन में फैब्रिक सीट्स मिलती है आपको, काफ़ी प्रीमियम सीट से दिखती है। यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट मिलेंगे, आर्मरेस्ट का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता। यहाँ पे सीट बेल्ट भी आपको दिए गए हैं पैसेंजर के लिए। और ये है इसकी सेकेंड रो AC जो कि काफ़ी पावरफुल है। थर्ड रो में आपको AC का ऑप्शन नहीं मिलता। और इस सीट को आप जो है दोस्तों फोल्ड भी कर सकते हो और रिक्लाइन कर सकते हो यहाँ से। तो दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन। चलते हैं इसके फर्स्ट रो में ड्राइवर साइड डोर पे। तो दोस्तों ये इसका ड्राइवर साइड डोर जो आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पीकर दिया गया है और यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स, यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे ड्राइवर साइड जो विंडो वो आपको ऑटो का ऑप्शन मिलता है। S11 और S9 दोनों में आपको ऑटो ऑप्शन का मिल जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी शानदार फिट ऑफ फिनिश दिखती है। यहाँ पे आपको सीट मिलती है हाइट एडजस्टेबल के साथ, रिक्लाइन स्लाइड कर सकते हो। ये इसके हेडरेस्ट और काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया प्रीमियम सीट्स आपको मिलती है। ये इसके पैडल्स हैं और यहाँ पे आपको मिलते हैं डिफोगर के बटन्स। यहाँ पे आपको फील्ड लाइट ओपन करने का ऑप्शन, ये हेडलाइट बीम एडजस्टर, यहाँ से आप ऑर्गन को कंट्रोल कर सकते हो, सेट कर सकते हो, फोल्ड नहीं कर पाओगे। ये इसके AC वेंट्स हैं जो कि कॉन्फ्रेंस दिए गए हैं। इसमें आपको कुछ इस तरह की मिलती है, यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो और यहाँ से आप पार्किंग में या कहीं खड़ी हो तो उसे आप आसानी से खोल सकते हो। चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं क्या क्या फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। इसमें आपको कुछ लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम में, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, तो ये है दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और इस तरह पे आपको मिलते हैं RPM मीटर, इस तरह आपको मिलते हैं स्पीडोमीटर, 100 की फुल स्पीड इसकी। यहाँ पे मिलता है MID मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो शो करेगा गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टोटल ट्रिप मीटर, ओडोमीटर और यहाँ पे टेम्परेचर। यहाँ से आप ट्रिप कर देख सकते हो। Your vehicle is running in reserve fuel. और इस तरफ आपको मिलेंगे लाइट के कंट्रोल्स और इस तरफ मिलेंगे आपको वाइपर के कंट्रोल्स। और ये इसकी स्टेयरिंग व्हील्स हैं और स्टेयरिंग पे आपको इस S9 में भी आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। और इस तरह आपको म्यूजिक और फ़ोन के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। दोस्तों स्टेयरिंग को आप आगे पीछे नहीं कर पाओगे, ऊपर नीचे कर पाओगे, तो आगे पीछे होता टेलीस्कोपिक तो ज़्यादा अच्छा होता। और यहाँ पे AC वेंट से देख सकते हैं इसका जो डैशबोर्ड है, काफ़ी शानदार, काफ़ी प्रीमियम लुक देता है इसे। और ये इसका 7 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आपको मिलता है फीचर्स। तो पहले आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन नहीं मिलता था जो कि आप इसमें आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे मिलता है आपको कार इंफॉर्मेशन, आप क्या क्या देख पाएंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस टू MPT यानी कितने किलोमीटर ये गाड़ी SUV जाएगी। यहाँ पे अलर्ट दिखाएगा कि अभी क्या क्या इसमें अलर्ट है, वार्निंग वगैरह, तो जैसे फ्यूल लो वार्निंग तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। यहाँ पे सर्विस वगैरह कोई बाकी है पेंडिंग है तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे ई मैनुअल आप देख सकते हो कि जो है ई मैनुअल आपको ये दिखाएगा कि आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो या नहीं जानकारी, तो यहाँ से आप देख सकते हो, जान सकते हो। और ये सब सारे हैं कंट्रोल्स इसके। यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम बता रहा है, नेविगेशन नॉट अवेलेबल प्लीज़ कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर। तो नेविगेशन में इसमें क्या है, अभी सर्विस सेंटर से संपर्क करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आपको मिलते हैं वॉल्यूम के कंट्रोल्स, यहाँ पे मिलता है आपको ट्यूनिंग सेटिंग, ये सारे बटन हैं शॉर्टकट के बटन हैं, यहाँ से आप देख सकते हो जिसे MPT। और ये इसका मेनू का ये फ़ोन के कंट्रोल्स और इस तरफ सेटिंग्स के। बाकी यहाँ पे म्यूजिक के कंट्रोल्स आपको, और इस तरफ आपको मिलता है एक ऑटो AC का ऑप्शन जो S9 और S11 आपको मिलते हैं।
ये बटन दाबते ही एसी जो है ऑटोमेटिक ऑटो में हो जाती है, ऑटो मोड में। और ये इसका ब्लोवर नोब, यहाँ पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं जो टेम्परेचर आपको दिखाएगा वो बताएगा कि इतना टेम्परेचर है, यहाँ से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर पाएंगे। और यहाँ पे डिपोकर के बटन दिए गए हैं, यहाँ पे एसी के बटन्स, और ये इसका माइक्रो हब टेक्नोलॉजी जो कि फ्यूल सेव करता है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। ये इसके हैजार्ड लाइट के बटन, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट के डीसी पॉइंट मिलेंगे। और नीचे पे यहाँ पे आपको दिए गए बॉक्स और यूएसबी के पॉइंट, मोबाइल होल्डर्स। ये इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपको किसी भी वेरिएंट पे आपको नहीं मिलता। ये इसकी कुछ ग्रे और बीच में इसमें इसकी सेंटर कंसोल जो कि काफ़ी शानदार और प्रीमियम लुक देता है इसे। यहाँ पे आपको मिलते हैं हैंड ब्रेक, ये मैट फिनिश में आपको दिया गया है। यहाँ पे काफ़ी ये 2 कप होल्डर यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये इसके एसी वेंट्स हैं। यहाँ पे आपको मिलता है ग्लो बॉक्स, यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाएगी। ये एसी वेंट्स और आप देख सकते हो इसमें आपको मैनुअल्स बुक्स भी मिलती है जो कि काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं। एंटी मिरर को ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलता। ये इसके सनग्लास होल्डर्स, यहाँ पे माइक का ऑप्शन मिल जाता है। ये इसके IRBMs और कुछ ऐसा इसका इंटीरियर, यहाँ पे आपको रूफ पे लाइट मिल जाती है। दोस्तों स्कॉर्पियो S9 की एक शोरूम प्राइस है 14,65,000 रुपये और इसकी ऑन रोड प्राइस है 17,94,000 रुपये। यदि आप कैश पेमेंट करते हैं तो इसमें आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। इसके डिस्काउंट वगैरह भी डिटेल के लिए आप नियरेस्ट शोरूम विजिट कर सकते हो। और दोस्तों कैसी लगी स्कॉर्पियो S9, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।